हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज। इसमें हम बेसिक से एडवांस की ओर लेके जाऊंगा, मैं आपको यानी पूरी डिटेल में समझाऊंगा। और स्टूडेंट्स जो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश आपकी बहुत आसान हो जाएगी। बस इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। सबसे पहले हम लेते हैं सेंटेंस यानी वाक्य क्या होते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ या पूर्ण भाव निकले, यानी हम कोई बात को कहें और वो बात समझ में आ जाए, यानी हमें लगे कि हाँ भाई बात हमारी कंप्लीट हो गई। जैसे रवि प्लेज क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है, ठीक है, बात हो गई हमारी पूरी, समझ में भी आ गई, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। अब क्या होता है, सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो किसके बारे में कहा गया, रवि के बारे में, तो रवि हो गए या सब्जेक्ट। अब इसके बारे में क्या कहा गया है, वो हमारा बाकी का जो पार्ट है सेंटेंस का, वो कहलाता है प्रीडिकेट यानी कर्ता के बारे में क्या कहा गया। क्या कहा गया, प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है। तो सेंटेंस तो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको डिटेल में हम देखेंगे अभी। दूसरा हमारा आता है क्लॉज। क्लॉज क्या है, देखिए हिंदी में हम कहते हैं उपवाक्य, इसका मतलब वाक्य से छोटा होगा, वाक्य का भाग यानी सेंटेंस का ये पार्ट होगा। अब इसमें क्या है, देखिए क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होगा ही होगा, कंपलसरी है। और वर्ब की बात करूं तो ये फाइनाइट वर्ब होती है, और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा, आप देख सकते हैं। लेकिन हम सामान्य समझते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक उस सब्जेक्ट की वर्ब होगी, ठीक है। ये एक सेंटेंस का पार्ट है यानी सेंटेंस का एक हिस्सा है, भाग है। क्लॉज एक अपने आप में सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अब आप यहां समझिए, रवि प्लेज क्रिकेट बट राहुल प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे क्या है, देखिए रवि क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, वर्ब। तो ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब, यानी ये क्या हुआ, एक क्लॉज। दूसरा राहुल, यहाँ सब्जेक्ट है, प्लेज यहाँ वर्ब है, एक क्लॉज ये हो गया। तो ये इस सेंटेंस में दो क्लॉज हो गए, ठीक है, यानी ये दो छोटे छोटे उपवाक्य हो गए, और ये मिलकर के पूरा क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया हमारा, ठीक है। सेंटेंस में भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होगी, ठीक है, जैसे यहाँ रवि सब्जेक्ट है और प्लेज यहाँ क्या है, वर्ब है, ऐसे यहाँ भी वर्ब है। लेकिन सेंटेंस क्या है, एक कंप्लीट सेंस देता है, यानी जो बात है वो पूरी हमारे समझ में आ जाती है। लेकिन ये क्या है, ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है ना। अब इसको भी हम डिटेल में देखेंगे क्या है, क्लियर। नेक्स्ट हमारी आती है फ्रेज यानी जिसे कहते हैं वाक्यांश। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, शब्दों का एक समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ या पूर्ण भाव नहीं निकलता, क्लियर है ना। यानी सेंस तो देगा ये, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट और वर्ब का इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। देखिए सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब होती है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब होगी, ठीक है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। यानी कुछ वर्ड हो सकते हैं जिनसे कोई सेंस निकल रहा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं निकलेगा, जैसे सिटिंग इन ए कॉर्नर। आप देखिए एक दो तीन चार वर्ड हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो चार वर्ड है, इनसे एक ये सिटिंग इन ए कॉर्नर यानी कोने में बैठा हुआ, कुछ तो निकल रहा है, यानी इसका अर्थ तो निकला कोने में बैठा हुआ, लेकिन क्या बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ, तो एक कंप्लीट सेंस ये नहीं दे रहा। और ना ही यहाँ कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, इन द ईस्ट, ईस्ट में, पूर्व में, ठीक है। तो इन द ईस्ट तीन यहाँ पे वर्ड है, एक अर्थ निकल रहा है, कुछ मीनिंग है इनका, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। तो बात समझ में आ गई आपको, सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब होता है और एक कंप्लीट सेंस होता है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट वर्ब होगी लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट होता है, यानी सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा होता है, स्वयं अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता। फ्रेज क्या है, ये भी एक शब्दों का समूह होगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा, और सब्जेक्ट वर्ब का यहाँ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है,
आपने देख ही लिया होगा, कुछ दिन पहले अपलोड किया है। नहीं है तो आपको यहाँ पे से हो जाएगा, आप क्लिक करके देख लीजिए, तो इसकी डिटेल तो आपकी कंप्लीट वहाँ हो जाएगी। तो मैंने दोनों प्रकार से बताया, साइंस के आधार पे भी और स्ट्रक्चर के आधार पे भी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स। दूसरा हमारा जो क्लॉज है, क्लॉज के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है कंप्लीट, वो भी आप देख लीजिए, उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और इसी क्लॉज से ही फिर हमारा जो है सिंपल, कंपाउंड, मिक्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, वो भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखे, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा। अब हमारा जो कौन सा पार्ट रह रहा था, वो रह रहा था फ्रेज, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। फ्रेज हमारी जैसे पांच प्रकार की होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखिए एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, क्या है कि कोई एक वर्ड है तो वो उसको संबोधित, जैसे नाउन है एक वर्ड है तो वो उसको संबोधित करेगा, लेकिन उसके साथ एक से ज्यादा वर्ड आ रहे हैं तो फिर वो हमारी फ्रेज हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही एडजेक्टिव, अगर एक वर्ड है तो एडजेक्टिव होता है, एक से ज्यादा आ गए तो हमारी एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ऐसे वर्ब में एक से ज्यादा वर्ब आ गए तो वर्ब फ्रेज हो गई, ऐसे ही एडवर्ब में और ऐसे ही प्रीपोजिशनल फ्रेज में। देखिए एक एक करके, अब देखिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, ये ब्यूटीफुल गर्ल इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी एक सुंदर लड़की क्रिकेट खेल रही है। सेंटेंस ये भी हो सकता था, गर्ल इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी एक लड़की जो है क्रिकेट खेल रही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी नाउन है, यानी ये सब्जेक्ट है गर्ल, लेकिन इसके साथ और भी कुछ वर्ड आए हुए हैं, तो ये अब नाउन ना होके अपने आप में नाउन फ्रेज हो गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है, यानी कॉम्बिनेशन आया है, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब का, हमने पहले बताया फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी तीन यहाँ वर्ड आ गए तो ये नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है ना। अब जैसे सी रीड्स ए बुक, अच्छा ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी नाउन फ्रेज किस में, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ गई है, क्लियर। अब सी रीड्स ए बुक, यानी वह किताब पढ़ती है, सी यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, रीड्स यहाँ वर्ब हो गई, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये बुक भी क्या एक नाउन है, ठीक है, तो अकेला बुक नहीं है, इसके साथ ए भी है, यानी कि हम कह सकते हैं आर्टिकल है, तो ये हमारा हो गया, यानी दो या दो से अधिक तो दो वर्ड हो गए, तो नाउन फ्रेज यानी ए बुक, तो सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकती है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, देखिए ही बॉट ए ब्यूटिफुल रेड साड़ी, ये सेंटेंस ये भी हो सकता था ना, ही बॉट ए साड़ी, यानी उसने एक साड़ी खरीदी, ठीक है, या ही बॉट ए रेड साड़ी, यानी उसने एक लाल साड़ी खरीदी, तो हमारा एडजेक्टिव जो था वो रेड था यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये जो नाउन है और इसी की बारी विशेषता बताई जा रही है, लेकिन विशेषता बताने वाले शब्द एक से ज्यादा हो गए, अगर एक होता रेड तो एडजेक्टिव था, लेकिन एक से ज्यादा हो गए ए ब्यूटीफुल रेड, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, ठीक है ना। जब विशेषता बताने वाले शब्द एक से ज्यादा हो तो फिर वो हमारा फ्रेज हो जाएगा, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि ए ब्यूटीफुल रेड साड़ी, क्योंकि काम तो हमारा यहाँ से भी चल रहा था, ही बॉट ए साड़ी, उसने एक साड़ी खरीदी, तो ये क्या है, ये इसके बारे में हमें और एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ए गर्ल सिटिंग इन ए कॉर्नर वॉज वीपिंग, ये सेंटेंस हो सकता है, ये गर्ल वॉज वीपिंग, यानी एक लड़की रो रही है, ठीक है ना, ये नाउन है और इस नाउन के बारे में बताया गया है, क्या सिटिंग इन ए कॉर्नर, जो कोने में बैठी हुई है, ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गए, क्योंकि ये कई शब्द उसकी विशेषता बता रहे, कई शब्दों के रूप में बता रहे, सिटिंग इन ए कॉर्नर, ठीक है, ये नाउन की विशेषता बताई जा रही है। वर्ब फ्रेज क्या होगी, जब वर्ब एक से ज्यादा वर्ड में आ जाए, ठीक है, जैसे रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन यह देखिए इज हेल्पिंग वर्ब भी है, प्लेइंग मेन वर्ब भी है, तो यहाँ दो जो है वर्ड हो गए, वर्ब को यहाँ बताने वाले दो वर्ड हो गए, तो वर्ब फ्रेज हो गया। ऐसे सी हैज फिनिश हर वर्क, उसने अपना काम खत्म किया, तो हैज यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, तो दो हो गए यहाँ पे वर्ब को बताने वाले वर्ड, तो ये क्या हो गया, वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट हम देखें एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज यानी जब कोई वर्ब की विशेषता बताता है, सामान्य हम जानते हैं, और उसको बताने वाला अगर एक वर्ड है तब तो एडवर्ब, और एक से ज्यादा है तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो ही रन्स वेरी फास्ट, ये ऐसे होता है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो फास्ट यहाँ एडवर्ब था क्योंकि एक वर्ड था।
लेकिन वर्ब की विशेषता बताने वाली यहां दो वर्ड हैं, वेरी और फास्ट, तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्लियर। नेक्स्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखिए, वैसे सेंस में देखा जाए तो प्रीपोजिशनल फ्रेज एक मतलब एक्चुअल में देखा जाए कोई फ्रेज नहीं है, क्योंकि इसके भी लास्ट में नाउन या प्रोनाउन तो आएगा ही, ठीक है, तो वो जाती नाउन फ्रेज में ही है मोस्टली अगर हम कहें तो। लेकिन फिर भी ठीक है, इंग्लिश में इसका चलन है, तो प्रीपोजिशन या उसके बाद जो वर्ड आते हैं उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कह देते हैं। जैसे द बुक ऑन द टेबल, ऑन क्या है, प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद के जो वर्ड है ये हो गए प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि यहाँ जो है एक दो तीन शब्दों से बात बताई जा रही है कि किताब कहाँ है, टेबल पर, तो ऑन द टेबल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेज का मतलब क्या होता है। देखिए, वो संबंधित नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन अगर एक वर्ड में है तब तो वही है, लेकिन एक से ज्यादा है, उसको डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में विशेषता बता रहा है, तो शब्दों का समूह, ठीक है ना, जो एक से ज्यादा हो तो फिर वो फ्रेज के रूप में काउंट किया जाता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आप अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।